नमस्कार, विंध्य भारत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। प्रदेश के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री प्रभुराम चौधरी बूस्टर डोज लगवाने के लिए राजधानी के कारजू अस्पताल पहुंचे। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि जिन्हें थोड़े से भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं उन्हें फीवर क्लिनिक पहुंचना चाहिए। प्रतिदिन लगभग 80,000 टेस्ट किए जा रहे हैं। जो गलत मोबाइल नंबर या पता दर्ज करवा रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि साथ ही सबसे अनुरोध है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सावधानी बरतें। थर्ड वेव के चलते सबसे अनुरोध है कि सावधानी बरतें, साथ ही दोनों डोज कंप्लीट जिनके हो चुके हैं वह बूस्टर डोज लगवाएं। सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। पॉजिटिविटी का रेट बढ़ रहा है और पॉजिटिव केस भी बढ़ रहे हैं, इसलिए मैं सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार तो पूरी व्यवस्थाएं भी कर रही है और जो टेस्ट है टेस्ट भी हम लोग बढ़ा रहे हैं। जो लोग पॉजिटिव होकर होम आइसोलेशन में है उनको मेडिसिन का किट कोविड कमांड सेंटर से दो दो बार बातचीत कर रहे हैं। जिनके घरों में आइसोलेशन के लिए जगह कम है उनको कोविड केयर सेंटर में, और जिन्हें कोई अधिक दिक्कत है तो उनको हॉस्पिटल में सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने करके रखी हैं। वैक्सीनेशन भी मध्य प्रदेश में अच्छा हुआ है। पहला डोज 96.6, दूसरा डोज 92.3, और जो बच्चों का हमारा 59.6 करीब लग चुका है, और प्रिकॉशन डोज भी 2 लाख से ज़्यादा हम लोग लगा चुके हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि जो तीसरी लहर में संक्रमण फैल रहा है काफी तेजी के साथ फैल रहा है, इसलिए सभी से मेरा अनुरोध है कि घबराएं ना, लेकिन सावधानी पूरी बरतें। हमें सावधानी जितनी हम बरतेंगे उतनी हमारी सुरक्षा है। मास्क जो लगाएं उसको ठीक से उसको लगाएं, मास्क को, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जिन लोगों ने अभी वैक्सीन से नहीं लगवा पाए हैं वो सब लोग वैक्सीन लगवाएं। सर देखा, फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें विंध्य भारत के साथ। नमस्कार।